हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। हम फिर से आ गए आपके प्यारे प्यारे कमेंट पढ़ने और साथ साथ उनके प्यारे प्यारे जवाब देने। तो कुछ कमेंट ऐसे भी हैं जिनके जो थोड़े नेगेटिव हैं, पर कोई बात नहीं, नेगेटिव वालों का भी हम प्यार से जवाब देंगे और पॉजिटिव वालों को तो प्यार से जवाब देते ही हैं। और थैंक यू सो मच, आप हमारे लिए इतना टाइम निकालते हैं, हमें प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं और अपना इतना कीमती समय हमें देते हैं। तो पहला कमेंट पढ़ने जा रही है गोल। तो गाइस, पहला कमेंट पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहती हूँ। 15 जून को हमारा न्यू गाना आ रहा है नंबर 1 रिकॉर्ड्स पे। जिन्होंने नंबर 1 रिकॉर्ड्स को सब्सक्राइब नहीं करा, जल्दी आके सब्सक्राइब कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो पहला कमेंट है @m3gamer229 का, डोंट शो बेबीज डेली इन व्लॉग प्लीज पायल गोलू, इसलिए उनको नजर लगी। तो थैंक यू सो मच m3gamer जी, आपने प्यारा कमेंट किया है, पर आप लोगों की नजर हमारे बच्चों को कभी नहीं लगेगी क्योंकि आप लोगों ने ही इतनी दुआ करी थी मेरी प्रेगनेंसी में। जब मैं परेशान थी, हमारे बच्चे जब हॉस्पिटल जाते हैं तो आप लोग इतनी दुआएं करते हो, तो आपकी नजर कभी भी नहीं लगेगी। ये उन कुछ लोगों की नजर से मैंने उतारी है जो हमारे बच्चों के लिए उल्टा सीधा बोलते हैं। आप सभी को पता है, आपने कमेंट्स पढ़े होंगे जो मैंने लास्ट टाइम कमेंट पढ़े थे। तो ये जो नजर उतारने वाला जो मैंने कल किया था काम, एक तो मैंने इसलिए भी किया था कि अगर आपके घर में भी कोई बच्चा है, वो ठीक से सो नहीं रहा है, ठीक से दूध नहीं पी रहा है या रो रहा है बहुत ज्यादा, तो आप उस तरीके से नजर उतार सकते हैं। तो नेक्स्ट कमेंट है किरण जहरा 2122 का, सलाम आप लोग कैसे हो, आप लोगों ने बच्चों को एक नाम से पुकारा करो, या तो तूबा या तो क्यारा। मेरी दादी कहती है कि बच्चे का एक नाम होना चाहिए, वरना नामों के मतलब आपस में टकरते हैं तो बच्चे पे असर पड़ता है, फिर वो जहानत के लिहाज से हो या कामयाबी या फिर तबीयत की। तो किरण जी, इसके लिए मैं ये सिर्फ इतना ही जवाब दूंगी कि हमने बहुत ही प्यार से जो बच्चों का नाम है ना, हमने बहुत ही प्यार से रखा है। जो अयान तूबा जैद रखा है ना, वो बहुत पहले से सोचे हुए थे हमने नाम, वो इंस्टेंट नहीं रखे हैं। चीकू के पापा ने सोचा था बहुत पहले, जब चीकू हुआ था तब सोचा था कि हमारी बेटी होगी ना तो उसका नाम हम तूबा रखेंगे। हम के टाइम पे भी हमने यही सोचा कि अगर डॉटर होगी तो तूबा रखेंगे। पायल के टाइम पे फिर हमने सोचा कि अगर एक डॉटर होगी तो तूबा रखेंगे। तो जो बच्चों के राशि नेम है ना, वो तो आप लोगों को पता ही है कि क्या है, क्यारा, कृष्णा और पृथ्वी। तो हम बच्चों को ना, जब बच्चे बड़े होंगे ना, तो दोनों नाम उनको पता होना चाहिए कि उनका नाम तूबा भी है और क्यारा भी है, अयान भी है, कृष्णा भी है, जैद भी है, पृथ्वी भी है। तो उनको अपने 6 के 6 नाम, मतलब 3 2 2 नाम अपने पता होने चाहिए। इसलिए हम लोग अपने मतलब डेली रूटीन में ना उन नामों को प्रोनाउंस करते हैं ताकि हमें भी बाद में प्रॉब्लम ना हो नाम। जैसे हमारे चीकू का नाम चिरायु भी है। नेक्स्ट है कामाक्षी पटेल 8597 का, आपके बच्चे बहुत ही अच्छे हैं सारे के सारे, माँ बच्चों की भगवान होती है, आप अपने बच्चों की ढाल बन के खड़े रहो, आपके बच्चों का कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, लॉट्स ऑफ लव। थैंक यू सो मच कामाक्षी जी, बिल्कुल सही कह रही है। माँ कहते ना, माँ योद्धा होती है और माँ अपने बच्चों की ढाल भी होती है, माँ सब कुछ होती है अपने बच्चों के लिए। तो जब हमें लगता है ना कि हमारा बच्चा परेशान है, सो नहीं रहा है, ढंग से फीड नहीं ले रहा है, बहुत ज्यादा रो रहा है, तो माँ परेशान हो जाती है। तो ये जो चीजें है ना, ये हमने बड़ों से सीखी है, ये हमें नहीं पता था कि नजर ऐसे उतरती है ऐसे उतरती है। हमने अपने घर में देखा, जैसे मेरी बड़ी बहन थी, उसके बच्चे को जब कभी ऐसा होता था वो इस तरीके से नजर उतारती थी। तो ये हमारे पूर्वजों से चला आ रहा है, मतलब हमने नहीं सिखाया, ये हमारे पूर्वजों से चला आ रहा है और ये सबके घर में होता है। देखो, एक ना मन की संतुष्टि भी बोल सकते हो आप उसको, कि जैसे हमने बच्चे की नजर उतारी और बच्चा शांत हो गया, तो ये मन की संतुष्टि भी होती है कि हाँ, मैं अपने बच्चे के लिए जो भी कर सकती हूँ, जो मुझसे होता है हर माँ करती है, हम नहीं, अगर आप भी हमें देख रहे हैं आप भी जरूर करते होंगे। तो नेक्स्ट कमेंट है शगुन ठाकुर 9909 का, जब भी आप नजर उतारे तो घर में सब सो जाए तब चुपचाप उतारा करे, जो भी लोन नीचे गिरने लगती है आप अपनी जूती तले रख दे, आपके बच्चे की नजर बहुत अच्छी से उतरेगी, मेरी सास ऐसे ही बच्चे की नजर उतारती है। तो बिल्कुल सही बोला आपने शगुन जी। देखो, आपने भी अपनी सास से सीखा, जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, हमारे घर में कोई बड़ा नहीं है, पायल बड़ी है, तो पायल ने अपने घर पे देखा हुआ है और मैंने अपने घर पे देखा हुआ है, तो बहुत तरीकों से नजर उतरती है। जैसे बाती, दो बाती वाली होती है, सूखी लाल मिर्च वाली होती है, नमक और राई वाली होती है, तो बहुत तरीके से होती है। तो आपका कमेंट बहुत ही अच्छा है। तो नेक्स्ट कमेंट मैं पढ़ने जा रही हूँ @vinukumar1379 का, दीदी आप प्लीज अभी बच्चों की वीडियोस मत बनाओ, अभी वो छोटे हैं तो नजर लग जाती है। तो वीनू कुमार जी, मैं आपको बता देती हूँ कि हमें पता है कि बच्चे छोटे हैं, बट ना क्या करें, आप लोग हमारी फैमिली हो, अगर हम बच्चों की वीडियोस नहीं बनाते ना तो बहुत सारे कमेंट आने लग जाते हैं कि आपने अयान को नहीं दिखाया, जैद को नहीं दिखाया, तूबा को नहीं दिखाया, तो हमें ऐसा लगता है कि हम ना आपसे कुछ छुपा रहे हैं, बच्चे छुपा रहे हैं, तो हमारा ऐसा मन नहीं करता। हमारी जो डेली लाइफ की व्लॉगिंग होती है हम आपको दिखाते हैं, और साथ ही साथ ना बच्चों की एक मेमोरी बन रही है, मतलब पहले दिन से, मतलब जब भी वो होश संभालेंगे, जब भी उन्हें फोन देखना आएगा, जब भी उन्हें मतलब टीवी देखना आएगा, तो उनके पास पूरी मेमोरी होगी, वो 2 साल तक की मेमोरी होगी, वो देख सकते हैं कि वो उन्होंने कैसे जन्म लिया, उनका पहला दिन कैसा था, दूसरा दिन कैसा था, इसलिए एक मेमोरी भी हो रही है इनके साथ। तो नेक्स्ट कमेंट है
एडवोकेट शबरीन गुफर 1458 का ग्राइप वाटर दो बार देते हो क्या पायल मैम? बिल्कुल ग्राइप वाटर आप दो बार भी दे सकते हैं, दो बार मिनिमम है, थ्री टाइम्स भी दे सकते हो और बहुत ही अच्छा रहता है ग्राइप वाटर देना, क्योंकि क्या बच्चे सिर्फ और सिर्फ दूध पीते हैं तो दूध पीने से बच्चों के पेट में ना इनडाइजेशन हो जाती है और इनडाइजेशन की वजह से उनको गैस बन जाती है, उनको स्टमक एक होता है, बहुत सारी चीजें ऐसी हो जाती है, तो ग्राइप वाटर बहुत ही सेफ है। हम लोग जब भी बच्चा फीड लेता है ना तो फीड के साथ साथ ना हवा भी कंज्यूम कर लेता है, तो उसके लिए ना ग्राइप वाटर देना अच्छा होता है। तो नेक्स्ट कमेंट है प्रिंस सेलिना 889 का, बच्चों के सीने पे कुछ रख के सुलाया करो, ऐसे हाथ पैर खुले रखेंगे तो वो डर जाएंगे सोने में, उनको अगल बगल से दबा के सुलाते हैं। तो प्रिंस जी बिल्कुल आप सही बात बोल रहे हो, बच्चे बहुत जल्दी डर जाते हैं, हमारे बच्चे तो ऐसे हल्की सी आवाज होती है ऐसे हो जाते हैं, ऐसे करती है तो जब भी वो नींद उसकी गहरी हो जाती है ना तो उसको मैं यहाँ लेके सोती हूं। और नहीं तो क्या करते हैं हम, अगर जैसे मैं और पायल बिजी है ना तो हम क्या करते हैं, हमारे वैसे भी घर में इतने सारे पिलोज हैं तो दो पिलो में बच्चे को रख देते हैं, दो तो आपने शायद एक व्लॉग में देखा होगा, कल वाले व्लॉग मैंने दिखाया था कि तीनों बच्चे सो रहे थे और तीनों बच्चों के आसपास पिलो था, तो हम ऐसे बच्चों को सुलाते, जब हमें उठना होता है ना, हमें कोई काम करना होता है तो हम अपनी जगह तकिया रख देते ताकि उनको ये लग रहा है कि मम्मी पास सो रहा है। तो नेक्स्ट कमेंट है इंडिया नूसा 4931 का, यार तूबा कितनी सुंदर है, लव यू तूबा फ्रॉम यूएसए, आज देखी मैं तूबा को, थैंक यू सो मच। और बस धीरे धीरे जो है उसका जो लुक है, उसका जो फेस है, उस पे चार्म आएगा, धीरे धीरे वो और ब्यूटीफुल होती जाएगी, और मेरी तो प्रिंसेस है ही है, बाकी जो जिन लोगों को ऐसा लगता था कि कैसी है ये है वो है उनको लगने दीजिए, मेरे लिए तो वो मेरी प्रिंसेस है। तो नेक्स्ट कमेंट है सोफिया सिद्दीकी 8286 का, पायल दीदी आपको एक बात बताऊं, नजर कभी भी माँ से नहीं उतरती, हाँ बाकी और भारी पड़ जाती है, और दूसरी बात थर्सडे और मंडे को भी नजर नहीं उतारनी चाहिए, तो आप किसी और से उतरवाए, मंडे को एंड थर्सडे को मत उतरवाए। तो सोफिया जी मैं जो आपने बात बोली ना बिल्कुल सही बात बोली कि नजर कभी माँ से नहीं उतरती, बट देखो मेरे माइंड में ना बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, मैं ये चीज सोचती हूँ अगर जो सिंगल मॉम हो और उसके घर में कोई भी नहीं रहता हो, सिंगल मॉम हो और उसको नजर उतारनी, तो वो तो उतारेगी ना, तो ठीक है आपकी बात भी रख ली कि माँ नहीं उतारती है, बट मुझे ऐसा लगता है कि जो माँ कर सकती है ना वो कोई नहीं कर सकता। तो नेक्स्ट कमेंट है @NehaBedi1 का, जो कि बहुत ही प्यारा कमेंट है, बहुत ही अच्छा लगा मुझे कमेंट, अरमान मलिक इसे सेल्फ मेड मैन, बिल्कुल सही कहा आपने नेहा जी, अरमान मलिक ने अपना जो नाम है अपना जो ब्रांड है वो खुद से ही बनाया, उनको बनाने वाला कोई नहीं था आगे पीछे उनके, जितना भी सक्सेस उन्होंने पाया है ना तो वो उन्होंने खुद से पाया, बस ये है कि हमने उनको सपोर्ट किया है, उन्होंने हमें बताया कि ऐसे करना है, हमने वैसे ही किया। तो कहते हैं ना एक औरत के पीछे आदमी का हाथ होता है, नहीं ऐसा नहीं है, दो औरतों के पीछे एक आदमी का हाथ है, बिल्कुल सही बात है। और अब तो इतनी बड़ी टीम है, इतनी बड़ी टीम है जिसको जिसको परिवार की तरह एक साथ लेके चल रहे हैं वो, बस आपका कमेंट बहुत ही प्यारा था, थैंक यू सो मच। तो नेक्स्ट कमेंट है रजनी सिंह 2477 का, बच्चे को डॉक्टर के पास लेके जाओ ना, मे भी बच्चे के स्टमक में पेन हो रहा हो। ये भी बात आपने बिल्कुल ठीक कही, बच्चे के पेट में दर्द भी हो सकता है, और मैंने जैसे कि पहले भी बताया आपको, जब हमें लगता है ना कि बच्चों के पेट में दर्द है तो हमारे को डॉक्टर ने ऑलरेडी बता रखा है कि बच्चों को उस टाइम क्या देना है, बच्चों को देना है कॉलिकेट एक महीना, जब तक बच्चा एक महीने का होता है तब उसको देते हैं कौन सी, जब बच्चा 1 मंथ तक होता है तो उसको डॉमस्टॉल देते हैं और 1 मंथ के बाद कॉलिकेट देते हैं, तो डॉक्टर ने पहले बताया हुआ है। तो अगर हमें लगता है ना कि बच्चा नहीं सो रहा, अभी थोड़ी देर पहले तूबा का इस बहुत ज्यादा रो रही थी, बहुत ज्यादा, तो मैं संभाल रही थी, मैंने कहा पायल मुझसे नहीं संभल रही तू देख, फिर पायल ने इसको कॉलिकेट दी, उसके 10 मिनट बाद वो थोड़ा शांत हुई तो हमें रिलीफ मिला। अगर हमें लगता है ना कि बच्चा नहीं शांत हो रहा, एक घंटा वेट करते, तो गाइस बिल्कुल हॉस्पिटल पास में ही है जहाँ पे हमारी डिलीवरी भी हुई थी मेरी पायल की, वो हॉस्पिटल पास में ही है, वहाँ पे हमारे नुपुर मैम के साथ उनके पीडियाट्रिक डॉक्टर भी है, तो हम उन्हीं को ही दिखाते हैं, तो अगर लगता है तो वहाँ चले जाते हैं। तो नेक्स्ट कमेंट है भक्ति मारू 2408 का, कृतिका दी हम्बल रिक्वेस्ट है, जब भी आपके हाथ में बच्चा हो आप खड़े हो उसके सर को सपोर्ट दो, यानी कि गर्दन बहुत ज्यादा मूव कर रही थी, प्लीज ऐसा मत करो, 6 महीने तक संभालो। तो बिल्कुल सही बात बोल रहे हो भक्ति जी, बच्चों की गर्दन बहुत ज्यादा मूव करती है। एक्चुअली क्या होता है कि ना अयान और तूबा ना थोड़ी बहुत अपनी गर्दन ना संभालते हैं थोड़ी बहुत, जो जैद है ना वो बिल्कुल भी नहीं संभालता गर्दन, और एक कमेंट भी आया था जैद तो काफी बड़ा है उसको गर्दन संभालनी चाहिए, बट मैं तीनों में से अगर कंपेयर करती हूँ ना तो जैद अपनी गर्दन बिल्कुल नहीं संभालता, शायद से मुझे ऐसा लगता है कि जो उसका हेड है उसकी वजह से, उसका जो हेड है ना थोड़ा साइज बड़ा है तो उसकी वजह से उसकी गर्दन ऐसे टेढ़ी मेढ़ी होती है, और अयान और तूबा के जो हेड है वो थोड़े छोटे हैं उनकी बॉडी के अकॉर्डिंग, तो वो थोड़ा थोड़ा संभाल लेते। किसी का एक कमेंट भी आया था कि हो ही नहीं सकता एक
महीने का बच्चा अपना वजन संभाले। तो मैंने एक काम करूंगी गाइस, व्लॉग में ना पक्का लूंगी और एक क्लिप डालूंगी कि मैं तीनों बच्चों की गर्दन संभाल रही हूँ, तो आप खुद नोटिस करोगे क्योंकि मेरे सामने बच्चे रहते हैं ना 24 घंटे, तो मैं आप लोगों को बता सकती हूँ। तो नेक्स्ट कमेंट है सुहानली व्लॉग्स 3631 का, क्या कहना चाह रही हो पायल, आप नजर लगाने वालों को चप्पल मार रही हैं। दुनिया में हर घर में बच्चे होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि सब आपस में एक दूसरे को चप्पल दिखाए कि तुमने नजर दी। अंग्रेजों के बच्चे पता नहीं क्यों नहीं नजर लगती, क्यों वो नहीं उतारते नजर। तो सुहाना जी देखिए, इसके लिए मैं सिर्फ इतना ही कहूंगी कि जो चीज हमने की है ना वो हमारे बड़े लोग मतलब मम्मी बहनें ऑलरेडी कर चुके हैं, ये चीजें बहुत पहले से चली आ रही है। और मैंने जो नजर उतार के दिखाई वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए दिखाई है कि अगर आप लोगों के घर में भी बच्चे होंगे तो आप इस तरीके से नजर उतार सकते हैं। और मैंने ये पहले भी बोला है कि आप लोगों की नजर नहीं लगी है मेरे बच्चों को, क्योंकि आप लोग मेरे बच्चों से इतना प्यार करते हो, इतनी दुआ देते हो मेरे बच्चों को। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जिनको हम लोग पसंद नहीं है, जो हमारे बच्चों को पसंद नहीं करते, जिनको ये नहीं लगता कि ये बच्चे हमारे हैं, उन लोगों के लिए बात मैंने बोली थी। और उन लोगों के लिए ही मैंने जो ये बात बोली थी, डायन वगैरह ये सब जो है उन लोगों के लिए बोली। तो नेक्स्ट कमेंट है @FinaJain251 का, बच्चों को कभी भी डायरेक्ट ड्राई शीट पे ना सुलाए, उसके ऊपर एक कॉटन का कपड़ा लगाकर सुलाए। तो गाइज हम ना स्टार्टिंग से यही कर रहे थे, हम जब भी ड्राई शीट बिछाते थे उसके ऊपर हम कॉटन की शीट बिछाते थे, क्योंकि हम लोगों ने ना क्या डिलीवरी के टाइम पे बहुत सारे ना सूती कपड़े लिए हुए थे अपना सर बांधने के लिए, और बहुत सारे कपड़े हम खरीद के भी लाए थे, अपने ब्लॉग्स पहले वाले देखे होंगे। बट बीच में क्या है, थोड़ा सा रूटीन हमारा चेंज हो गया, हम ड्राई शीट पे सुला रहे थे। तो अब एक काम करूंगी, पक्का आपको कभी भी बच्चे ड्राई शीट पे डायरेक्ट नजर नहीं आएंगे। अब जब भी हम बच्चों को अगर लिटाऊंगी सुलाऊंगी तो मैं इसके ऊपर कॉटन की शीट जरूर लगाऊंगी। तो गाइज आज का जो लास्ट कमेंट है वो ये है दिव्या पॉल ब्लॉग्स का 8285 का, कमेंट क्या है, अगर इतनी ही नजर लग रही है तो बच्चों को कंटेंट क्यों बना रहे हो, उनको मत दिखाओ। तो दिव्या जी मैं आपको एक बात पहले बता देती हूँ, फिर पायल बोलेगी, कि जो हमारे बच्चे हैं वो कंटेंट नहीं है। और दूसरी बात, मैं शायद आपको नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि आप शायद उनमें से हो जो बच्चों को कंटेंट बोल रहे हो, बच्चों को कंटेंट देख मेरे बच्चों को देखना पसंद नहीं कर रहे हो। तो मैं आपको जाके नहीं बोल रही हूँ दिव्या जी कि आप मेरा ब्लॉग्स देखो, आप मेरे बच्चों को देखो। मैं उन लोगों को बच्चे दिखाती हूँ जिन लोगों की रिक्वेस्ट होती है कि मैं बच्चे दिखाऊं, वो मेरे बच्चों को बहुत पसंद करते हैं, मेरे बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, मेरे बच्चों को बहुत दुआ देते हैं। क्योंकि हम लोग जब 9 महीने प्रेग्नेंट थे ना, मैं और पायल, तो इतने सारे कमेंट आते थे कि वी कांट वेट टू सी योर बेबीज, हम वेट नहीं कर रहे क्योंकि हमारे साथ बहुत पहले भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई थी और उसकी प्रॉब्लम्स के बाद ये बच्चे हमें मिले हैं। प्लीज अगली बार ना दिव्या जी बच्चों को कंटेंट मत बोलना, हम लोगों ने बहुत ही कड़ी मेहनत करी है इन बच्चों को पाने के लिए। तो बस आज का लास्ट कमेंट मैं बताती हूँ। तो आज का लास्ट कमेंट पढ़ने जा रही है गोलू, जो की है बोला वन का, पायल जी नॉट शोइंग पीपल दैट ही गेव बर्थ टू ट्विंस बेबीज, पीपल हैव गॉन मैड, इट सीम्स ही डिडंट नॉट गिव बर्थ टू चिल्ड्रन, द स्टमक डजंट गो इनसाइड सो क्विकली, द चिल्ड्रन आर नॉट इवन 2 months ओल्ड एंड थिंक्स इट्स नॉट इजी टू बिकम अ मदर, दैट टू ऑफ ट्विंस बेबीज एंड मदर वुड हैव सेड समथिंग, सो बी अफ्रेड ऑफ गॉड बिफोर स्पीकिंग एनीथिंग, आई थिंक दैट ही यूज्ड टू से हाउ इज पीपल लुकिंग, ही डजंट हैव अ चाइल्ड, ही डज नॉट हैव एनी फैमिली, सो लुक एट दैट पीपल, वी आर jealous, do not do anything about anyone, those you haven't seen the videos please watch it, don't comment after watching it because you can't understand how many problems are there with others, maybe it seems it's not good to you, God has happened good to everyone, may nothing bad happen to anyone, may he always stay together। तो टिंकी भोला जी आपका कमेंट मुझे बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच, आपने इतना प्यारा कमेंट किया, लोगों को समझाने की कोशिश की है। मुझे ऐसा लगता है जो लोग ऐसा बोलते हैं पेट में किसी बोला गया है मेरे को ऐसा कि पेट में सिलिकॉन की बेड लगाई है, बच्चे तुम्हारे नहीं है, ये है वो है, तो उसका जवाब मैं पहले भी दे चुकी हूँ। पर थैंक यू सो मच कि आप मेरी तरफ से उन लोगों को समझाना चाहते हो, और आपने बिल्कुल सही कहा, एक माँ को ही पता होता है बच्चे कैसे पैदा होते हैं और बच्चों को कैसे पाला जाता है। एक बच्चे को पैदा करने के लिए माँ को क्या क्या झेलना पड़ता है, और मैंने तो ट्विंस को पैदा किया। बोलते हैं ना कि जो माँ बच्चे को जन्म देती है तो उसका खुद का जन्म होता है, तो पायल का तो देखो ट्विंस बेबी से, और उसके बाद उसकी इतनी ज्यादा प्रेगनेंसी के अंदर प्रॉब्लम्स आई, सबको सब कुछ पता है गाइस, उसके बावजूद भी लोग उसको ब्लेम कर रहे हैं कि बेबीज नहीं है, तो कितना दुख पहुंचता है एक माँ को। तो बस हम इस चीज की क्लैरिफिकेशन ऑलरेडी दे चुकी है, और मैं कभी देना भी नहीं चाहती कि बच्चों के बारे में। तो बस गाइस ये वाला जो व्लॉग है ना, हम यही एंड करते हैं, और जैसे आप इतने प्यारे प्यारे कमेंट करते हो ना, तो आप हमेशा हमें कमेंट करते रहो, सपोर्ट करते रहो, प्यार देते रहो, और हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय गाइस।